की क्लोजअप क्रिएटिविटी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुर्ती से एक पैप्लम टॉप बना के। तो ये मेरी कुर्ती है और मैं इससे बनाने वाली हूँ पैप्लम टॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती को खोल लेंगे अपनी को पूरी। इस कुर्ती में से जो हमें पैप्लम टॉप बनानी है वो बनानी है हमें 26 इंच की पैप्लम टॉप बनानी है। और उसमें से ऊपर का पार्ट हम पहले कट कर लेंगे और बाकी कपड़े में से हम नीचे का पार्ट कट करेंगे। ऊपर का पार्ट हमारा रहेगा 16 इंच का, तो ये 16 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और इसमें आधा इंच का और मार्जिन के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सिलाई लगती है वो आधा इंच उसमें चला जाता है। तो अब इतने पार्ट को मैं यहाँ से 16.5 पर निशान लगा के अब मैं इसका ऊपर का पार्ट कट कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ से ये निशान 16.5 इंच पर ये कट कर लिया है। तो ये मेरा ऊपर का पार्ट हो गया है। और अब मैं इसमें से लेने वाली हूँ उसकी जो फ्रिल नीचे की तरफ हम बनाएंगे वो इस पार्ट में से हम फ्रिल बनाने वाले हैं। अब ये ऊपर से हम ये जो निशान है यहाँ का, ये ऊपर का पार्ट हम इसको निकाल देंगे। सबसे पहले ये 4 इंच का हमारा निशान लगाती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेजरमेंट के हिसाब से 4.5 इंच का ही कट बैठता है। तो हम इसको सबसे पहले कट कर देंगे 4.5 इंच पे। ये ऊपर का पार्ट हमारा निकल गया है। इसमें से अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये 10-10 इंच का आएगा या नहीं। का आ गया है हमारा, तो हम इतना 10 इंच के पैप्लम के लिए इसमें से इसको निकाल जो कि पैप्लम में फ्रिल बनती है उसे यहाँ से इस तरीके से निकालते हैं। तो ये यहाँ से हमने फैब्रिक कट दी, हमारी 10 इंच की हो गई है। अब हम सबसे पहले ये जो साइड की हमारी सिलाई आई हुई है इसमें हम इन्हें कट कर देते हैं, क्योंकि इनका हमारे लिए कोई यूज तो होगा नहीं, तो इन्हें हम कट कर देंगे दोनों तरफ से। ये दोनों तरफ से मैंने इसकी सिलाई यहां से कट कर दी है। अब वापस से इसको इस तरीके से और ये जो बीच का है यहाँ से बीच का 1-2-3-4 पार्ट्स हमें करने हैं। अब इनसे बीच में से 1-2